Good morning, students, and a very good morning to all of you. Welcome to the first video of, or the first lecture of chapter number 10, that is Reaching the Age of Adolescence. Chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा. इस चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. रीचिंग का मतलब क्या होता है? पहुंचना है. एडोलेसेंस मतलब क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे. रीचिंग मतलब पहुंचना, एज उस अवस्था में पहुंचना जिसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस. ठीक है. एडोलेसेंस क्या है? जैसे हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था बेटा? रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को जन्म देता है. वो तब जन्म देता है जब वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन का. मतलब ये कि वो स्टेज ह्यूमन लाइफ का, वो स्टेज किसी भी एनिमल लाइफ का जहां पर वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के. वो जन्म से ही रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होता, एक एज को अटेन करता है जिसके बाद वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होता है, और उसी एज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस. मतलब एडोलेसेंस एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बहुत तरह के चेंजेस को महसूस करता है, बहुत तरह के चेंजेस उसके अंदर होते हैं, और उन्हीं सभी चेंजेस को इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव चेंज इज कॉल्ड एडोलेसेंस. एडोलेसेंस एक एज ग्रुप है बेटा. जैसे ही हम एडोलेसेंस की बात करेंगे, एडोलेसेंस द एज ग्रुप की हम बात करते हैं सीधा सीधा. द एज ग्रुप इन विच द बॉडी अंडरगोस मल्टीपल चेंजेस इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव चेंजेस. क्लियर है बेटा? बहुत आसान है ये. एक ऐसा एज ग्रुप जिसमें कोई भी बॉडी अंडरगो करती है डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस को, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव चेंजेस. रिप्रोडक्टिव चेंजेस के साथ साथ बॉडी में अगर अन्य तरह के भी चेंजेस होते हैं तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एडोलेसेंस क्या है? ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो अंडरगो करती है डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, इंक्लूडिंग कौन सा चेंज, द रिप्रोडक्टिव चेंज. क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एडोलेसेंस का एज ग्रुप क्या होता है बेटा? एडोलेसेंट क्या होता है? एडोलेसेंस, एडोलेसेंट को हम कई बार एडोलेसेंस जो एज ग्रुप है इसको हम एडोलेसेंट भी कहते हैं. ये क्या होते हैं एडोलेसेंट्स? हम उनको कहते हैं जो इस एज ग्रुप में होते हैं. वैसे एनिमल्स जो इस एज ग्रुप में होते हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग्स जो इस एज ग्रुप में होते हैं उनको हम एडोलेसेंट कहते हैं. मींस व्हाट? द इंडिविजुअल एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस are called adolescent. अब एडोलेसेंट के लिए क्राइटेरिया क्या बनाई गई कि भाई एडोलेसेंट्स जो हैं वो किस एज ग्रुप में आएंगे, किस एज ग्रुप में एडोलेसेंट्स को कहा जाएगा? तो हम कहते हैं क्या कि एडोलेसेंट्स, द एज ऑफ एडोलेसेंस
starts from 13 and continues till the age of 19 years. ठीक है, मीन्स वाट की एक ऐसा एज ग्रुप जो 13 से स्टार्ट होकर 19 तक चलता है, या इसको हम सीधा सीधा 19 लिख देते हैं ताकि आपको वर्ड्स डिजिट जो है वो आसानी से याद रहता है। तो एक ऐसा एज ग्रुप जो स्टार्ट कहां से होता है, 13 से, और कंटिन्यू कहां तक होता है, 19 इयर्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ एडोलेसेंस। दिस एज ग्रुप इज नोन एज एज ऑफ एडोलेसेंस। ये कब से कब होता है, 13 टू 19 इयर्स। लेकिन इन फीमेल्स इट स्टार्ट्स वन और टू ईयर प्रायर, मतलब अर्लियर होता है। मीन्स वर्ड की 11 to 13, मतलब 11-12 के एज में जो है वो एडोलेसेंस को पहुंच जाती है। मीन्स वर्ड की मेल से पहले फीमेल जो है वो एज ऑफ एडोलेसेंस में पहुंचती है। मीन्स वर्ड की दे गेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। अगर हम इसकी बात करें मेल की, तो ये 13 टू 19 में सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है, जबकि ये कब से स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, 11 टू 12 इयर्स। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, क्योंकि यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं कि ये 13 से 19 इयर्स के बीच में होता है, ठीक है, इसीलिए चूंकि इसके लास्ट में 3 लगा हुआ है, सो द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू दिस एज ग्रुप the age of 13 to 19 are called, क्या कहते हैं, 13 to 19 are also called teenagers। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। टीनएजर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंत में 3 लगा हुआ है, चाहे वो 13 से 19 की अगर हम बात करेंगे तो 13 से 19 में क्या लगा हुआ है, चूंकि वो 3 लगा हुआ है इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, टीनएजर्स। क्या कहेंगे, टीनएजर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंडिविजुअल जो एज ग्रुप 13 टू 19 से बिलोंग करता है उनको हम क्या कह देते हैं बेटा, टीनएजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनएजर्स। टीनएजर्स क्या है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो बिलोंग करता है 13 टू 19 इयर्स के एज में। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ये जो मैं चेंजेस बता रहा हूं कि भाई ये जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं बॉडी में, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी होते हैं, तो ये सारे चेंजेस कौन करता है, ये सारे जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हम कहेंगे क्या कि द केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। उनको हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स। मीन्स वॉट, अगर हम बात करें कि हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स क्या होता है, वॉट आर हॉर्मोन्स, वट आर हार्मोन्स, हमारा आंसर क्या होगा कि द केमिकली सेपरेटेड सब्सटेंस
या सीक्रेटेड सब्सटेंस, सेपरेटेड से ज्यादा अच्छा क्या है, सीक्रेटेड सब्सटेंस, द केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस, द केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस अंडरगोइंग इन आवर बॉडी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एक केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस के होने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, और उसी को हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं. जब भी हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे द केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस अंडरगोइंग इन आवर बॉडी. क्लियर हो गया यहां तक तो हॉर्मोन्स क्लियर हो गए. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हॉर्मोन्स के बारे में कहा कि द केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस अंडरगोइंग इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकली सीक्रेटेड सब्सटेंस है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं. ठीक है, उसके बाद इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इट कंट्रोल्स द चेंजेस अंडरगोइंग इन आवर बॉडी. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी स्टेटमेंट को हम दोबारा इस तरह से लिख सकते हैं. अब क्या है कि हॉर्मोन्स को रिलीज कौन करता है, केमिकली सीक्रेट कौन करता है, इसके लिए हम कहेंगे क्या कि हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है कौन, ग्लैंड्स. मीन्स व्हाट, कि ग्लैंड्स सीक्रेट्स द हॉर्मोन्स. अब हम कहेंगे फ्रॉम वेयर डज हॉर्मोन्स कम. हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम वेयर डज हॉर्मोन्स कम क्वेश्चन मार्क. तो हम क्या कहेंगे, हॉर्मोन्स कम फ्रॉम या आर सीक्रेटेड फ्रॉम बॉडी by the glands. Means what, कि hormones को कौन secrete करता है बेटा. तो हमारा answer क्या हो जाएगा कि hormones are secreted by glands. जब भी hormones के secretion की बात आएगी तो हमारे पास answer क्या आएगा, glands का. अब glands क्या होते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि देखिए glands जो है वो control unit है इस hormones के. Means what, कि कितना hormone किस में जाना चाहिए और कितना हार्मोन किसके लिए जरूरी है, जितना उनको भेजना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाता है, ग्लैंड्स. ठीक है, वहां ग्लैंड्स का जो मास्टर ग्लैंड होता है, मतलब अब जैसे हम कहेंगे कि फलों का राजा आम है. अब आमों में भी कोई राजा होता हो नहीं, इसी तरह क्या है कि ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं सभी हॉर्मोन्स को. तो कहीं ना कहीं सभी ग्लैंड्स को भी एक कंट्रोल करने वाला चाहिए या सभी ग्लैंड्स को भी एक कंट्रोल करने वाला होता है. तो हम क्या कहेंगे, दैट पर्टिकुलर ग्लैंड दैट एक्ट्स एज द कंट्रोलिंग ग्लैंड टू ऑल द ग्लैंड्स इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड. हमेशा ध्यान रखेंगे कि द ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय by a master gland that is called pituitary gland. क्या है बेटा,
कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी को कंट्रोल करता है। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है मैं आपको छोटे शब्दों में बताता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लैंड क्या करता है। जैसे अगर हम एक छोटे से ग्लैंड जो आपको आसानी से समझ में आएगा उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ग्लैंड की बात की, तो हमारे बॉडी में ना इंसुलिन नाम की एक चीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम हार्मोन कहते हैं। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होकर हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करेगा, ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। तो कहीं ना कहीं इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी में शुगर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, तो हम कहेंगे कि ठीक है वो जरूरी है। अब अगर कोई ऐसा हार्मोन है जिसने इंसुलिन प्रोड्यूस करना कर दिया बंद, अब क्या है कि शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब जब बढ़ने लग जाएगा तो आपके बॉडी को इंसुलिन की जरूरत है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति जिसके भी बॉडी में मान लो जैसे शुगर की मात्रा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसको डायबिटीज या शुगर की बीमारी होती है। अब उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि बाहर से खरीद कर और अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन डालता है ताकि बॉडी में जो मेंटेनेंस है शुगर का वो बना रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने पर, और हॉर्मोन्स क्यों ज़रूरी हैं किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। इंसुलिन एक हॉर्मोन है जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज के द्वारा, एक ग्लैंड है। अब वो जब प्रोड्यूस करता है उसको तो हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बराबर बनी रहती है, लेकिन अगर उसने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना किया बंद तो हमें हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा को मेंटेन रखना है ताकि हमें डायबिटीज ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से इंसुलिन लेने की कोशिश करते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू है। तो कहीं ना कहीं ग्लैंड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उससे भी महत्वपूर्ण है उसके द्वारा प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। Till then, stay home, stay safe. God bless you.